पीपल केम छो बद्दा वेलकम बैक टू माय चैनल। 3 बज रहे हैं, मैं 1-2 बजे तक बेड पे ही पड़ी थी। आज संडे है। आई फाउंड अ बुक जो मेरे को अच्छी लगी एंड आई स्टेड अप लेट टिल 3 AM एंड हियर वी आर। दिन चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आई विल शो यू गाइज अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई एम थिंकिंग टू ऑर्डर। एज आई सेड टू यू ऑल, मैं वो दरवाजा डेकोरेट कर रही हूँ, तो आई वॉज लुकिंग इन टू लास्ट नाइट आई वॉज आप लुकिंग इन टू लाइक सम वॉल पेपर मे बी दैट आई कुड स्टिक, बिकॉज ये डोर पे ऐसा कलर मारा है कि यॉल कांट लाइक वॉटर कलर डालूंगी, तो आई एम फॉर श्योर किसी का भी ऐसे हाथ ऐसे किसी ने मारा या पानी गिर गया तो द एंटायर म्यूरल विल एब्सोल्युटली कोलैप्स। सो आई थिंक कवरिंग इट अप विथ अ रैपिंग पेपर और लाइक सम गुड एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन दैट इज इंस्पायरिंग मी, दैट इज समथिंग आई वॉन्ट डू। So I came across a couple of websites I will be sharing with you right now. I'm also in the process of filming like end of the year wrap up best products that I've bought and that I've actually paid off and are from Amazon and are not that expensive. So I'm gonna be doing that. Ye chal raha hai. Y'all wanted to see my lipstick collection, so that also I will show you guys. Chalo chalte hain. As usual, main lunch bahut late kar rahi hun. What's up? What's up? नहीं ओके दाल चावल शाम के लिए पानी पूरी बहुत लेट आया रिस्पॉन्स। ऑल राइट, सो आई एम बैक। आई विल शो यू, सो अभी मैं कुछ 2 डिज़ाइन कर रही हूँ, छोटे छोटे ही है वो डिज़ाइंस। आई विल शो यू वॉट आई एम डूइंग। सो दिस इज माई वॉल पेपर, आई वॉन्ट दिस रिस्क है टू इश्क है ऑन दिस एंड प्रॉब्ली पॉप इट अप समवेयर राइट देयर इन द आर्ट वर्क। द नेक्स्ट अप इज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज द नेक्स्ट पीस दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आई वॉन्ट टू स्टिक दिस ऑन माई डोर वॉल, इट जस्ट मिनिमल सोफिस्टिकेटेड, नॉट टू मच जैजी ग्लैमो, बट आई एम वंडरिंग इफ सेट ऑफ 5,499 वर्थ इट है या नहीं। नेक्स्ट अप है आई वॉज एक्चुअली, सो दिस इज रैपिंग पेपर एंड दैट इज वाई इट इज चीप। आई वॉज लुकिंग एट वॉल पेपर एंड ऑफकोर्स आई हैव टू बी ऑन इंडिया सर्कस का वेबसाइट बिकॉज दे हैव सम ऑफ द बेस्ट वॉल पेपर्स। मेरा आवाज को क्या हो रहा है, वॉल पेपर्स आउट योर, आई मीन लुक एट दैट, दैट्स लाइक gorgeous, beautiful. I was looking into this one, like this on my door, that would be just so epic. But then it's like 2663 per square meter is what they are saying, so I have to like figure out ki ye darwaze ka length kitna hai and probably just put those here in between this and this. And I don't know about the white pattas, but like, let's try and figure it out because I really want to jazz it up. We are here for at least another 3 to 6 months. I don't know. All right, while main figure out karti hu kya karna hai, order karna hai, nahi karna hai. I'm just in love with that wallpaper so much that I just want it, but I don't know kya hoga. Theek hai, dekhte hai. Somebody asked, they wanted to see my lipstick collection and honestly, main 90% ऑफ माई कॉस्मेटिक जो भी मेकअप प्रोडक्ट है मैं सब बॉम्बे छोड़ के आई हूँ, मेरे वहाँ के घर पर छोड़ के आई हूँ। एंड यहाँ पर मैं लाइक आई जस्ट हैड दीज 2 प्रोडक्ट्स दैट आई कैरीड विथ मी बिकॉज आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट आई विल बी यूजिंग दैम नो मैटर वॉट। सो मैं जस्ट लेके आई, आई विल फ्लिप द कैम एंड आई हैव अ फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट दैट यू ऑल्सो सॉ। आई अश्योर यू दैट यू ऑलरेडी सीन इट इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट मी फ्लिप द कैम। सो हियर्स माय मेकअप एंड ज्वेलरी बैग, मैंने 300 से लिया था, कुछ 300-400 का था, 2-3 साल पहले लिया था मैंने, एक ही बार गई हूँ मिनीसो बाय गॉड लाइफ में मैं एंड ये लिया था मैंने। सो दीज आर द लिपस्टिक दैट आई हैव राइट नाउ विथ मी। बॉम्बे से मैं ये 2 प्रोडक्ट लाई थी, ये ऑलरेडी एक्सपायर होने आया था तो आई वॉन्टेड टू जस्ट यूज़ इट अप। ये ख़त्म हो गया है फेंटी एंड आई वॉन्टेड टू लाइक स्टिल स्क्रेप इट एंड यूज़ इट अप। दिस इज़ फेंटी ग्लो है शेड का नाम, यूनिवर्सल ग्लॉस बॉम है जो सभी शेड सभी स्किन शेड्स पे अच्छा दिखता है। आई एम एट द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ इट, खत्म हो गया है बट आई स्टिल आई एम कैरिंग दिस लग्जरी प्रोडक्ट है, आई एम इन लव। इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले मेरे को लड़कों से, या लेट मी जस्ट पुट दैट आउट देयर। मार्क जेकब्स
शुश ब्लश करके शेड का नाम है, डोंट लाइक इट ऑन माई लिप्स बट दे लुक गुड एज अ ब्लश। सेकेंड शेड है जो ग्लॉस मार रहा है, सेकेंड शेड। नेक्स्ट अप है ये वाला लोलीता कैट वॉन डी का, सबसे आइकॉनिक शेड है ये। इतना ज़बरदस्त हिट था कि उन्होंने पूरा एंटायर मेकअप कलेक्शन लाइन ही बना दिया इसके पीछे, सो दे माइट इवन हैव आई शेडो पैलेट्स बट दिस इज़ द शेड। मेरी बहन को, मुझे और मैंने मेरी मम्मी के लिए 3 शेड्स आए थे जब मैं वहाँ पे थी, एंड कैट वॉन डी इज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये मॉम का शेड मैंने चुरा लिया है, यह एब्सोल्यूट एक्सपायर हो गया है। आई एम कैरिंग दिस, मेरा टूट गया, ख़त्म हो गया, मेरी बहन का भी प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है। दिस इज़ अ एब्सोल्यूट स्टनर हिट इन माई हाउस। नेक्स्ट अप है, ओ इफ़ यू वॉन्ट सी ये कैसा दिखता है, इट इज़ सेकेंड नंबर से, नीचे से सेकेंड नंबर है, इट्स मैट, लुक्स ब्यूटिफुल। रूबी वू, यू नो द शेड, सबके पास होना ज़रूरी है, ये ऐसा रेड कलर है जो सब पे अच्छा दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शार्लट टिलबरी का न्यूड शेड है ये, पिलो टॉक करके है। जो गोरे लोग हैं उन पे ये शेड उन पे ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर आप थोड़े सावले हो तो मे बी ट्राई फॉर पिलो टॉक मीडियम वाला शेड। आई थिंक मीडियम वाला शेड मैं देखी थी तो सोल्ड आउट था नायका पे, बट इफ यू फाइंड इट बींग रीस्टॉक्ड, मीडियम शेड इन पिलो टॉक, जस्ट ग्रैब दैट, इट्स ब्यूटिफुल। ये लास्ट वाला जो है नीचे, सबसे लास्ट वाला, दैट इज प्लोटॉक। या हाँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास अभी विथ रिस्पेक्ट टू लिप्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, एंड अपना माइंडसेट ऐसे हो गया है कि थोड़ा टाइम वापर लिया, बोर हो गए तो नया बाय करना है। मेरा माइंडसेट अब ऐसा हो रहा है कि आई वॉन्ट टू फिनिश इट अब कम्प्लीटली, यूज द प्रोडक्ट और फिर ही मैं फेंकूँ, एंड आई ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि उसका एक्सपायरी पीरियड क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक बाय नहीं करती हूँ, ये मैंने तय किया है कि मेरे को बाय नहीं करना है जब तक मैं पूरा एब्सोल्यूट फिनिश ना कर लूँ मोस्ट ऑफ द लिपस्टिक दैट आई यूज। तो इसीलिए मैं लिपस्टिक जो ऐसी बाय करती हूँ जो एक्चुअली मैं जेन्युइनली डे टू डे लाइफ में यूज़ करूँगी, वैसे ही प्रोडक्ट मैं बाय करती हूँ। इसे मेरे पास बहुत कॉस्मेटिक नहीं है लिप्स के मामलों में, एंड यहाँ वहाँ से मैं चोरी कर लेती हूँ, जैसे मॉम के क्लोजेट से या मेरी बहन के क्लोजेट से अगर मेरे को कोई शेड चाहिए हो तो। बट दैट्स द फंडा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी भी कम बिकॉज आई वांट टू कम्प्लीटली फिनिश द प्रोडक्ट बिफोर एंड अप बाइंग एनीथिंग न्यू। वी हैव पानी पूरी इन द हाउस, एंड हमने अभी दही पूरी बनाई है, इट लुक्स सो गुड। पानी पूरी आई मेड इन द मॉर्निंग, ग्रैन गुड स्टफ। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम हेयर, सो मच फूड वी ईट इन दिस ईयर, ब्लेस्ड। सो आई एंडेड अप मेकिंग दिस पीस राइट हियर, इट्स माई स्टार साइन टॉरस, दिस कार्ड इज अबाउट मैनिफेस्टेशन इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू नो। जस्ट If you don't know manifestation, it's about what you want and making it as a reality. The star is all about that. I'm just putting it out there in the universe with Saraswati ji in hand. Alright, so there are days where बहुत कुछ होता है and there are days where कुछ नहीं होता है। ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में होते हैं, बाय।